पिछले वीडियो के लेक्चर वन में मैंने आप लोगों को बताया था कि 1/19, 1/29, 1/39 जैसे प्रश्नों को हल करने के लिए इतना लंबा भाग देने की ज़रूरत नहीं है, उसे आप चुटकियों में भी सॉल्व कर सकते हैं। पर उसमें एक डिमेरिट था, वो यह कि यदि आप लोगों को दशमलव के बाद 5 अंक ही प्राप्त करना हो तो भी आपको 1/19 में दशमलव के बाद 18 अंक तक ही निकालना पड़ेगा, और दशमलव के बाद 9 अंक प्राप्त करना हो तो भी आप लोगों को दशमलव के बाद 18 अंक निकालना होगा। सो इंडिया, इस वीडियो में मैं इस डिमेरिट को दूर करने वाला हूँ, अर्थात यदि आपको दशमलव के बाद 7 अंक प्राप्त करना हो तो आप उसे चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है 1/19। 1/19 में मैं पहले आपको अंकों को ज्ञात करना सिखा देता हूँ। अंक ज्ञात करने के लिए आपको हर में से अंश को घटाना होगा। हर है हमारा 19, अंश है 1, आंसर हुआ 18। इसका मतलब ये है कि 19 से 1 को जो भाग देंगे तो दशमलव के बाद 18 ही अंक आएंगे। 18 अंक आने का मेरा मतलब है कि 18 अंकों के बाद जितने भी अंक आएंगे वो वही अंक रिपीट होते जाएंगे। तो क्लियर है? आप लोग सोच रहे होंगे एकाधिकेन पूर्वेन का मतलब क्या होता है। एकाधिकेन पूर्वेन एक सूत्र का नाम है जो ये कहता है कि पहले वाले अंक से एक अधिक, पहला अंक है 1, 1 से अधिक होता है 2, तो इसमें हम 2 से भाग देते जाएंगे। अब 19 से 1 को भाग देते हैं। भाग देने पर हम सबसे पहले सभी में 0.0 लिख लेंगे और हम एक्स्ट्रा एक अंक डालेंगे 1। अब ये अंक बन चुका है 10। 10 को 2 से भाग देंगे, भागफल आएगा 5। 5 को 2 से भाग देंगे, 2 भागफल 1 शेषफल। अब ये अंक बन चुका है 12। 12 को 2 से भाग देंगे, भागफल आएगा 6। फिर 6 को 2 से भाग देंगे, भागफल आएगा 3। 3 को 2 से भाग देंगे, भागफल आएगा 1, शेषफल आएगा 1। अब ये अंक 11 बन चुका है। 11 को 2 से भाग देंगे, भागफल आएगा 5, शेषफल आएगा 1। अब ये अंक बन चुका है 15। 15 को 2 से भाग देंगे 7 बार में 1। फिर 17 को 2 से भाग देंगे 8 बार में 16। अब अंकों को गिन लेते हैं, 4 और ये 5, 9। 9 अंक हो चुके हैं और 9 दुना होता है 18, तो दूसरा अंक नीचे लिख देंगे। नीचे लिखने के लिए कुछ नहीं, 9 लिख लेते हैं। अब यहाँ ऐसा क्या जोड़ें जो कि 9 पूर जाए? इसमें 1, 2, 4, 8, 6, 3, 7, 4 और यहाँ 9, ये हो गया हमारा आंसर। अब हम दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है 1/29। इसमें भी वही हर में अंश को घटाएंगे। हर है 29, अंश है 1, 28। इसका भी वह मतलब है कि दशमलव के बाद 28 अंक तक ही हल होंगे, उसके बाद के जो भी अंक होंगे वो दोहराते ही जाएंगे। अब एकाधिकेन पूर्वेन से 2 के पहले आता है 3, तो इसमें 3 से भाग होगा, तो फिर से 0.0 लिख लेते हैं, 1 अपने मन से डाल देते हैं। अब ये अंक बन चुका है 10। 10 को 3 से भाग देंगे 3 बार में, शेषफल 1। अब ये बन चुका है 13। 13 को 3 से भाग देंगे 4, 1 शेषफल। फिर 14 को 3 से भाग देंगे 4, शेषफल 2। अब ये अंक बन चुका है 24। 24 को 2 से भाग देंगे, 2 से नहीं 3 से, 24 को 3 से भाग देंगे 3 8 24। अब 8 को 3 से भाग देंगे 2 बार में, 2 शेषफल 22, 3 7 21, 1 शेषफल 17, 3 5 15, 2 25, 3 8 24, 1। फिर ये अब 18 बन चुका है, 3 6 18, फिर 3 2 6। अब क्या करेंगे, 1 0 देंगे तब ये अंक होगा 20। अब 3 से जो भाग देंगे 3 6 18, शेषफल आएगा 2। फिर 26, 3 8 24। शायद आपको ये अंक ना दिख रहे हों, मैं दिखा देता हूँ, ये 18। अब कुछ नहीं करना है, उसी तरह 9 9, सभी में 9 दे देना है इसी प्रकार। अब इसमें ऐसा क्या जोड़ें जो 9 हो जाए? इसमें जोड़ेंगे 1 3 9 7 3 1 4 2 7 1 5 5 6 9, ये है हमारा आंसर। इसी प्रकार आप 1/39, 1/49, 1/59 जैसे अनेक प्रश्नों को आप हल कर सकते हैं। बस आपको याद रखने की ज़रूरत है
ये आगे है तीन, तीन के आगे आता है चार, इसमें चार से भाग लेगा, चार के पहले पाँच, पाँच से भाग लेगा, पाँच के पहले छः, छः से फिर इसी तरह सात आठ से भाग लगते जाएगा। बस इतना ही आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये अगर आप जान गए तो इसमें आप किसी भी प्रश्न को आराम से हल कर देंगे।